एक मिनट मैं भी भूल गया हूँ, शेर था यार, मैं वाकई भूल गया हूँ, कसम से मैं भूल गया। आपको पता है शेर अल्लामा इकबाल का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहर है। ऐसे ऐसे। हाँ वेल, चलो अब मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप पूरी कर दें, एक गाना सुना। लिखो पहले दरख्वास्त। नहीं यार नहीं। सुना दें, जल्दी से सुना दें, इतना टाइम नहीं है। इतनी आप कृति सैनन नहीं है जिनको मैं इतना फ्रेम दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहीन है। मैंने पूछा क्या हाल है आपका, तो आप ऐसे कर रहे हैं। मेरा ध्यान उल्टी जा रही है ना, आंखों में हवा बहुत हो गया। मेरा हाल ठीक है। ठीक है आप? जाहिर सी बात है, आपके सामने खड़ी हूँ तो हाल ठीक है, तो सामने खड़ी हूँ ना। अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम बताया था? फरहीन। चले, नाम वैसे भी मैटर नहीं करता, नाम ने क्या रखा है। वाह वाह यार, वेरी गुड। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपके कॉमन सेंस को आप कितना रेट करती हैं आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 100 बताएं। आउट ऑफ 100 बताऊं तो 60-70%। ये कॉन्फिडेंस अब आपने बोल तो दिया, अब इसको मेंटेन रखना है आपने आगे जाकर। इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज जिसे हम गर्म करते हैं तो जम जाती है। जिसे हम गर्म करते हैं तो जम जाती है, जब हम कैंडल को चलाते हैं ना, कैंडल के ऊपर से वो निकलती है तो वो जम जाती है। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप कैंडल सिर्फ इसलिए जलाएं कि उसे गर्म करके जमाएं? देखिए जब जरूरत की चीज है ना, जब नहीं, वो तो एक ऑटोमेटिकली जम रही है ना, वो ऐसी क्यों जम रही है? जब हम उसको आग लगाते हैं, जब वो चलाते हैं। बहरहाल ये जवाब नहीं है मेरा सवाल, मेरी मर्जी का। इसे सीधा ये बोले ना कि ये जवाब आपके मतलब सवाल के मुताबिक नहीं है। चले दूसरा पूछूं। मुझे बता दें, 26वें फ्लोर पे गधा खड़ा है, नीचे घास पड़ी, ग्राउंड फ्लोर पे कैसे खाएगा? ये आप गधे हैं। गजब बेइज्जती है। अस्तगफिरुल्लाह, क्या आप मुझे गधा बना दिया? अच्छा आप दोबारा से बोलना क्या था? गधा खड़ा है 26वें फ्लोर पे, घास पड़ी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, गधा कैसे घास खाएगा? तो जाहिर सी बात है नीचे उतर के नहीं खाएगा। नहीं खा सकता नीचे, ना बिल्डिंग में सीढ़ियां ना बिल्डिंग में लिफ्ट है। तो 26वां फ्लोर आपने जाती है? 26वां फ्लोर होता नहीं बिल्डिंग? नहीं होता। ऐसे ही नहीं होता है? कहाँ होता है? दुबई में होता है, इंडिया में होता है, हर मुल्क में। तो दुबई में गधे कहाँ से आएंगे? वाह वाह, दुबई में गधे नहीं होते? तो कहते नहीं हो 26वीं वो क्या नाम है फ्लोर कौन रखेगा? नहीं पता जवाब। तो जब 26वां फ्लोर भाई है, 26 नहीं है, नहीं होगा। ये तो अपनी मर्जी की जिद लगा ली आपने, हार मानी। गधा कहाँ से खाता? हेलो, आइसक्रीम खाता है गधा? बर्गर खाता है? मैकडोनल्ड्स का है? क्या खाता है गधा? मुझे नहीं पता। हार मानी? मान ली। गधे ने भी हार मान ली थी, उसने भी घास नहीं खाई थी। हानिया, हानिया कॉमन सेंस को कितना रेट करती हो आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100 थोड़ा बहुत ही है। थोड़ा बहुत कितना? 50-60। चलो एक सवाल का जवाब दे दो, वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पे जम जाती है? गर्म करने पे जम जाती है? वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पे जम जाती है? यार इसका तो नहीं मुझे समझ नहीं आता। अच्छा नहीं, नहीं आता जवाब यार इसका नहीं। चलो मुझे आप इस बात का जवाब दे दो, वो कौन सी चीज है जो दो दफा मुफ्त मिलती है, तीसरी दफा हमें खरीदनी पड़ती है? दो दफा मुफ्त मिलती है, तीसरी दफा खरीदनी पड़ती है, वो है दांत। इंटेलिजेंट लड़की है, कोई टैलेंट है आप? क्या टैलेंट? मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, मैं बात ही कर सकती हूँ। वाकई कोई टैलेंट नहीं है? कोई सिंगिंग? कोई सिंगिंग नहीं मैं करती, मुझे पोएट्री का शौक है, वो मैं सुनती हूँ। लेकिन आती मुझे कोई नहीं। मुझे पोएट्री का शौक है, वो मैं सुनती हूँ। वाह क्या बात है, करती भी तो होंगी? नहीं करती नहीं, सुनने में। एक शेर है बहुत मशहूर, वो आप उसका तो मैं एक लाइन मैं बोलूंगा, अगली लाइन आपने बोलूंगा। कौन सा वाला? ठीक है, अल्लामा इकबाल साहब का शेर सुनाए। शेर ये है, एक मिनट मैं भी भूल गया हूँ, शेर था, शेर क्या था यार, मैं वाकई भूल गया हूँ, कसम से मैं भूल गया। आपको पता है शेर अल्लामा इकबाल का? वाह वाह क्या बात है, ये वजह है हमारी इस जनरेशन की तरक्की होने की और कामयाबी होने की। और ये जनरेशन जो है ना इसी तरह ही सड़कों पे रुलेगी क्योंकि तरक्की बहुत है। सब बिल्डिंग्स में जा रहे हैं, सब सड़कों पे रुल रहे हैं ना। लड़कियों की बहस छिड़ गई, मैं तो कुछ नहीं कहता, लड़कियों की बहस नहीं, नहीं ये लड़की थोड़ा सा डर रही है, ये लड़की बात इन्होंने बात की कि हम लोग ऐसे रुलेंगे तो आगे हम कौन सा किसी अच्छी जगह पे बैठे होंगे। यार पढ़ लिख के इंसान अच्छी जगह पे जाता है, तो पढ़ लिख के तो मैं भी तो पढ़ी हूँ ना, कहाँ पर हूँ मैं, यहीं पर ही तो रुल। आपको क्या हो गया?
नहीं नहीं मैंने कहा दो खवातीन बात कर रही है। नाजरीन एंकर जो है ना वो अपना माइक छोड़ के यहाँ से पीछे होने फरार होने पे आ गए। उसने कह दिया कि अब आप ही बात करें। मैं आपको सही बात बताऊं, अच्छा चले आप ही पकड़ ले, मैं कसमिया बात है, अब मैं लड़कियों के बीच में बात करूंगा ना तो लड़ाई इन दोनों की एंड पे, इन दोनों ने एंड पे इन दोनों ने मुझे मार पीट के निकल जाना और आपस में सुलह कर लेनी और वहां जाके गोल गप्पे खा। हाँ भाई सही बात है। चलो वेल इन लड़कियों का टैलेंट नाजरीन आपने देख ही लिया। एक कहती है लामा इकबाल का शेर है मेरा दिल ये पुकारे आजा, मैं कहता हूँ क्या बात है। और दूसरी लड़की का टैलेंट ये है कि उसे पोएट्री पसंद है और वो पोएट्री सुनती है। वेल थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहर है। इतनी छोटी सी नन्नी मुन्नी सी आप यहाँ पे क्या कर रही है इस टाइम? तो अभी तो कोई आलम चन्ना नहीं है। मैं हाइट में छोटा नन्ना मुन्ना नहीं कहा मैंने, एज में कहा है। तो आप कौन से इतने बड़े हैं? आप भी इतनी एज के ही हैं। अब कितनी खुश हुई है? लड़के होंगे आप 25 के होंगे। लड़की अब कितनी खुश हुई है जब मैंने कहा हाइट में नहीं मैं एज में छोटे होने की बात कर रहा हूँ। साथ ही बहस खत्म कर दी लड़की ने। वाह वाह क्या करती है? मैं आप करते रहे बहस, मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है? मैंने क्यों करनी है? मैंने जन्म में जाना है, लड़की से बहस करके मैं जीत सकता हूँ? नहीं ना, आप जन्म के दरवाजे पे ही मिलेंगे मुझे पता है। अच्छा मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पे जम जाती है? अंडा। वाह वाह वेरी गुड। कौन से स्टैंडर्ड में आप? मैं बीएस कर रही हूँ। बीएस कर रही हो? लड़की वाकई बीएस कर रही? थर्ड सेमेस्टर मैथ्स कम्युनिकेशन। लोगी को नहीं लेना। फिर तो आप टैलेंटेड हो यार। अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। अच्छा क्या टैलेंट है आप? मेरा टैलेंट ये है कि मैं आप जैसे पागलों का जवाब देती हूँ और उनको ही तंग करती हूँ। ये लड़कियों आप मुझे इरिटेट करें, मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ। लड़कियों का कोई खास टैलेंट नहीं है जवाब देना उनको, जब कोई बात करो उन्होंने आगे से जवाब ही देना होता है, तो ये टैलेंट नहीं है। तो आप में क्या टैलेंट है आप बता दें? मुझ में तो है ही नहीं ना, मैं तो आपका टैलेंट पब्लिक तक पहुंचाने। टैलेंट नहीं है लेकिन आप सबसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि टैलेंट क्या है। उसमें लड़ने वाली कौन सी बात थी? इसमें इतनी ज्यादा लड़ाई वाली कौन सी बात है? मैं लड़ू या जबरदस्ती करूँ? ये भी सही है। चलो आप एक और सवाल का जवाब दे दो। आप मुझे नहीं, एक सवाल की बात ही थी, एक ही दूंगी। अच्छा चलो फिर कोई बिस्ती हो गई फिर। चलो फिर मैं नहीं करता बिस्ती के। यूं करके क्यों बात कर रहे हो? मेरा अंदाज है ना, मेरा अंदाज है ऐसे ऐसे। हाँ वेल चलो अब मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप पूरी कर दें एक गाना सुना। लिखो पहले दरख्वास्त। एक गाना सुनाना है आप। गाना कौन सा गाना सुनाओ? नसीबो लाल जी का कोई भी अच्छा। मुझे उसके गाने नहीं आते। तो फिर जाहिर है जाहिर है कोई अच्छा गाना नहीं सुना दें, कोई अरिजीत सिंह का, आतिफ असलम का। नहीं यार नहीं। सुना दें जल्दी से सुना दें, इतना टाइम नहीं है। इतनी आप कृति सैनन नहीं है जिनको मैं इतना फ्रेम दूंगा। तो फिर बुलाया क्यों था? आप हैं भाई, आप कृति सैनन से भी अच्छी हैं। चलें जल्दी जल्दी जवाब। गाना नहीं आता यार, इतनी बड़ी तारीफ कर दी। आप एक सुना देना, आप मेरी फरमाइश पे सुना। कौन सा सुनाओ? चलो बताओ। आप कोई भी सुना दें जल्दी। कोई भी। चलो फिर मैं बता दूंगा ना। हाँ। आप सुना दो चन्ना मेरा सुना। नहीं यार अभी ब्रेकअप नहीं यार, तो जब मेरी मर्जी का सबको सुनाऊंगी ना। मेरी मर्जी, जब मेरी मर्जी का नहीं सुनाना तो अपनी मर्जी से सुना दो ना। अपनी मर्जी का कहानी सुनो, आपकी दोस्त कह रही कहानी सुनो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। एक टैलेंट मुझ में भी है। क्या? मैं आपका सॉन्ग कॉपी कर सकता। मैंने क्या करो? वेल थैंक यू सो मच रुकैया, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू अहमद। मेरा नाम वाकई सोएब अहमद है। वेल इसी के साथ अपने मेजबान सोएब अहमद को आज के इस खूबसूरत तरीन एपिसोड से दे दीजिए इजाजत। अगर चाहते हो कि तुम्हारा भाई दोबारा इस चैनल के ऊपर ऐसे ही मजेदार वीडियोस जो है वो लेकर आता रहे, तो इन 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 कमीनों की बात को इग्नोर करो और दुआ करो कि तुम्हारा भाई कंसिस्टेंट हो जाए जल्दी से। और आज है बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूला करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।